नमस्कार, मैं महेश वर्मा और हम हैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर। हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में। मेरे साथ हैं यहाँ पर राहुल नागपाल, कवि है, राष्ट्रीय कवि है और खासतौर पर वो दलित, आदिवासी और वंचित समाज की आवाज को कविताओं के माध्यम से मंचीय प्रदर्शन करते हैं। मैं कहता हूँ कि आप जब इनकी कविताएं सुनेंगे तो आपके अंदर भी खून खुलेगा कि किस तरह से वो दलित आदिवासी समाज के जज्बातों को शब्दों की बयानी पेश करते हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि किसान आंदोलन लगभग 90 से 95 दिन हो चुके हैं, ये दिल्ली के आसपास, तो वैसे 6 महीने हो चुके हैं। राहुल जी, एक खुली चर्चा हम आपसे सवाल है जी। लगभग 3 महीने हो चुके हैं इस आंदोलन को यहाँ पर दिल्ली के आसपास। इसका अगर सामाजिक ताना माना देखें, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो जाट है, जाट इसमें बहुत आगे आके अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि सर्व समाज है जो पीछे से सपोर्ट कर रहा है। इसका जो सामाजिक परिदृश्य क्या है इस आंदोलन का? देखिए, जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि इसमें जाट हैं या जाट मुख्य भूमिका में, मैं ये मान सकता हूँ कि इस आंदोलन की जो कमान है वो जाट के हाथ में हो सकती है। अगर मैं बतौर नेता बात करूँ तो राकेश टिकैत, तो राकेश टिकैत इस आंदोलन के चेहरा है, मेन चेहरा है। और राकेश टिकैत क्योंकि जाट परिवार से आते हैं और उनको जो जाट परिवार में पैदा होना या फिर किसानों की राजनीति उनको विरासत में मिली है। उनके उनके जो फादर हैं राजस्थान में बड़े नेता रहे, पूरे देश भर में पंचायत है, महेंद्र टिकैत, बाबा टिकैत, उनके नेतृत्व में पूरे देश भर में पंचायतें होती थी। तो उसके बाद में जो उनके 84 गांव में हैं बालियान खाप के, उन्होंने राकेश टिकैत के बाद, उनके महेंद्र सिंह टिकैत के बाद में उनके बड़े भाई नरेश टिकैत को जो है खाप का चौधरी चुन दिया, तो वो चौधराहट वहाँ आ गई। अब जो भारतीय किसान यूनियन है जो जिसने सबसे पहले इसको आंदोलन को चलाया, शुरू किया, तो उसके प्रवक्ता जो है वो राकेश टिकैत है। बिल्कुल। तो मैं ये मान सकता हूँ आपके, आपका जो सवाल है कि वो जी उसकी जो बागडोर है वो जाट नेता के हाथ में है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसमें त्यागी भी है, इसमें गुजर भी है, इसमें खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है जहाँ जाटव चमार किसान है, जाटव चमार भी बड़ी भूमिका में है, किसान जो किसान, क्योंकि किसानों का आंदोलन है और किसानों का आंदोलन है तो किसान का आंदोलन बोले तो किसान जाति से थोड़ा सा ऊपर उठते। तो और ये मैं कह सकता हूँ कि इसमें ओबीसी समाज जो है वो महत्वपूर्ण मुख्यतः है और वो एक बड़ी भूमिका में। तो आपने कहा कि इसमें भले ही जाट जो है मुख्य तौर पर आगे आया है, उसने जो खाप पंचायत है उन्होंने आगे आके काम किया है, लेकिन जिस तरह से हमारी जो मीडिया है जिसे तथाकथित गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया कहा जाता है, और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आंदोलन बहुत छोटा है और कुछ फीसदी ही इसमें लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वही एक तरफ सरकार 11 दौर की वार्ता करती है जब ये छोटे किसान है, कम लोग का है, तो आखिर सरकार वार्ता क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या है सरकार की मंशा? देखिए, दो चीज है, एज ए पत्रकार हमको या जो साहित्यकारी थी समझ, हाँ सही, वो ये है कि सरकार जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ उस दिन से लेकर के आज तक वर्तमान समय तक सरकार और खासतौर से जो सरकार में लोग बैठे हैं, चाहे मोदी जी हैं, चाहे अमित शाह हैं, ये जो गुजरात से आए हुए लोग हैं, इनकी गुजरात से लेकर के और वर्तमान तक एक नीति रही है, उनकी नीति रही है कि पहले थकाएंगे और फिर हटाएंगे। अब उन्होंने एक तीसरा शब्द इसमें और जोड़ दिया, वो है कि पहले थकाएंगे फिर बदनाम करेंगे और फिर हटाएंगे। अब उन्होंने थका, पहले थकाने की कोशिश की, तो आपने बताया कि 3 महीने के लगभग का समय हो गया बॉर्डरों पर, तो थका तो किसान है नहीं, तो बदनाम करने की कोशिश की, इनको खालिस्तानी बताया गया, इनको आतंकवादी बताया गया, इनको माओवादी बताया गया, इनको नक्सली बताया गया और इनके तार देश विदेशों से जोड़ने की बात कही गई, कोशिश की गई। अब हटाने की बात है, अब ये बात सोचने की वाली है कि सरकार हटा क्यों नहीं रही है, हटा क्यों नहीं रही, सरकार के पास में ऐसी क्या मजबूरी है कि वो हटा नहीं पा रही है। अब थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं तो 28 तारीख की जो रात है, 27-28 तारीख की जो रात है, जिस दिन महेंद्र टिकैत, राकेश टिकैत रोए थे, वो सरकार की प्लानिंग थी और उसमें ये तय था कि यहाँ लोग कम रह जाएंगे और बिजली काट दी जाएगी, रात के अंधेरे में 10-20 हजार पुलिस वाले आएंगे और इनको हटा देंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अन्ना, जब रामदेव का आंदोलन चल रहा था तो रामदेव के आंदोलन को रामलीला मैदान से खदेड़ लिया गया था। अब यहाँ एक चीज जो आपने कहा कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो वो 11 दौर की बातचीत भी कर रही है और ये भी कह रही है कि वो क्या नाम है, ये तो छोटे से किसान है या कम किसान है, परजीवी है, आंदोलनजीवी है, तो इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग समझ लेते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये छोटे से किसान है, अगर ये किसान छोटे होते, एक सर्वे के अनुसार देश के अंदर लगभग 25 करोड़ किसान फैमिली है,
और अगर एक फैमिली में हम 5 आदमी मान लें तो 25 30 75 यानी 75 करोड़ आदमी इस देश के अंदर जो है वो जमीन से जुड़ा है, किसानी से जुड़ा है। और इसके बाद में 10 से 15 से 20 करोड़ आदमी ऐसा भी है जो उन किसानों में मजदूरी करता है, जो उन किसानों जो उनमें पेट पाल रहा है। भाई जमीन आपकी एक ठेके पे मेरे पास है, जमीन आपकी मजदूरी में करो पाटे पे ले रखी है, तो वो अगर मैं कहूँ कि लगभग 90 करोड़ आदमी है जो उसका उससे अपनी जीविका चला रहा है और जमीन से जुड़ा हुआ है। अब ये समझने वाली बात है कि सरकार जो कह रही है, सरकार कह रही है छोटी सी बातचीत है, छोटे से लोग हैं। पहले उसने कहा पंजाब के लोग हैं, फिर कहा जी नहीं थोड़े पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी आ गए, फिर कहा जी हरियाणा के भी आ गए। अब ये सरकार के कान पे तमाचा है कि अगर वो ये कह रही है कि पंजाब और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का आंदोलन है तो राजस्थान में सब बड़ी बड़ी रैली क्यों हो रही है, उसमें लाखों की तादाद में लोग क्यों आ रहे हैं, अब मध्य प्रदेश में रैलियां क्यों हो रही है, महापंचायत क्यों हो रही है, महाराष्ट्र में क्यों हो रही है, महाराष्ट्र के लोग तो हमारी भाषा भी नहीं समझते। महाराष्ट्र के लोग तो अगर मैं कहूँ चलो भाई जैसे एक आरोप लगा के जाटों का आंदोलन, तो महाराष्ट्र में तो जाट है ही नहीं, बिल्कुल है बिल्कुल, या कर्नाटक में तो जाट है ही नहीं, उड़ीसा में तो जाट है ही नहीं, केरल में तो जाट है ही नहीं। भाई अगर हम जाटों की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में थोड़े से, हरियाणा, बाकी तो पूरे भारत में भी जाट है नहीं, 1.5% जाट है पूरे देश के अंदर। लेकिन ये सरकार क्या है कि पहले जाति के नाम पे बदनाम करेगी, फिर खालिस्तानी बताएगी, माओवादी बताएगी, नक्सली, तो वो बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सरकार को खूब पता है कि ये आंदोलन आपको तगड़े से डैमेज करेगा, लेकिन सरकार अभी आंक रही है, बच्चे कहते हैं ना कि वो चेक कर रही है कि अभी तक हम कितने डैमेज हुए हैं, अभी तक कितने डैमेज हुए, सरकार ये चेक कर रही है कि इस आंदोलन से अभी तक हमें कितना नुकसान हुआ है। भाई रिकवर 4 साल है अभी चुनाव में, अभी 3.5 साल है, अगर 2025 में चुनाव होगा तो 24 में, तो हमारे पास सरकार के पास 3.5 साल है दूसरे चुनाव में। तो सरकार ये सोच रही है कि इस आंदोलन से हमारी जो स्थिति है वो कितनी खराब हुई है, हमारी जो क्या नाम है, एक तरीके से मैं कहूँ कि जो उनकी छवि है, डेंट जो लगा है वो कितना लगा है, क्या उसको वो 3 साल में कवर कर लेंगे, क्या वो 1 साल में कवर कर लेंगे, क्या वो 2 साल में कवर। लेकिन जब सरकार की समझ में ये बात आ जाएगी कि ये डेंट इतना तगड़ा लग गया है कि ये 2-6 साल में भी कवर नहीं होगा, तब सरकार बैठकर की बात करेगी। लेकिन मैं इसी पे राहुल भाई एक बात पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि 2024 में चुनाव है, 3.5 साल है, मान लीजिए ये मसला सुलझ जाता है, 3 कानून वापस हो जाते हैं। मैं अक्सर सवाल करता हूँ आंदोलनकारियों से, किसान नेताओं से, क्या आप इस निष्ठुर सरकार को वोट करोगे जिन्होंने आपके 200-250 बुजुर्गों को, नेताओं को, उनकी शहादत हो चुकी है, मर चुके हैं और आप पर लठ बरसाया है, क्या ये फिर दोबारा से हिंदू मुसलमान में गुमराह तो नहीं होंगे? ये बड़ा वाजिब सवाल है और ये सवाल क्योंकि लंबा लंबा दौर है, 3.5 साल है अभी, ये सवाल उठना चाहिए और इस सवाल पर चर्चा होनी चाहिए, ओपन डिबेट होनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आज रात को 8 बजे मोदी जी टीवी पर लाइव आ जाए, क्या देख मैंने वापस ले लिया, और मोदी जी एक घोषणा कर दें, बहनों भाइयों ये 3 काले कानून मैं वापस ले रहा हूँ और जो MSP पर लिखित गारंटी दे रहा हूँ, स्वामीनाथन कमेटी जो उसको हम कानून का जामा पहना रहे हैं, और जो किसान मरे हैं 200-250 उनको 10-10 5-5 लाख रूपए जो भी घोषणा कर रहे हैं और एक एक सरकारी नौकरी, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं सारे आंदोलनों पे यही वो लोग होंगे जो हर हर मोदी घर घर मोदी करते हुए जाएंगे, आंदोलन खत्म, बैकअप, वही 14-19 वाली सरकार आ जाएगी। यही वो लोग हैं कि जो आज सरकार को गाली बक रहे हैं, लेकिन ये कहेंगे नहीं मोदी जी ने हमारी बात मान ली, कोई बात नहीं, और फिर अध्यादेश लेके आएंगे, फिर अध्यादेश लेकर के। अब इसके पीछे की जो बात है उसको उस पर डिस्कस कर लेते हैं। आपने जो कहा कि क्या स्थिति बनेगी, स्थिति ये है कि ये जो आंदोलन है ये आंदोलन विचार का आंदोलन नहीं है, वैचारिक आंदोलन नहीं है, ये क्या नाम है, ना तो सत्ता परिवर्तन का आंदोलन है और ना ही व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है, ये आंदोलन है सिर्फ 3 कानून वापसी का आंदोलन है। मैं कह रहा हूँ पहले दिन से मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आप इसको थोड़ी सी चर्चा को बड़ा करो, इसको आंदोलन को थोड़ा सा बड़ा करो और मुखर होकर बोलो, और मुखर होकर थोड़ा सा इसलिए बोलो के लोगों से कहो कि जो इस प्रकार के कानून बना रहे हैं, जो इस प्रकार के विचार पैदा कर रहे हैं, ये लोग पैदा कहाँ होते हैं, कौन है इनके, ये लोग हैं कौन, इनके पीछे ताकतें कौन सी, उनको चिन्हित किया जाए, और उनको चिन्हित करेंगे तो हमें पता चलेगा, हमारे किसानों को पता चलेगा कि इनके पीछे जो है वो RSS है, इनके पीछे जो है वो जो कट्टर अपने आप को ब्राह्मणी संगठन जिनको कहते हैं, मनुवादी संगठन जिनको कहते हैं, वो लोग हैं। और अगर अब भी लोगों की समझ में नहीं आ रही है तो मैं उनको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझा देता हूँ। वो ऐसे है कि अगर ये आंदोलन हिंदुओं का होता, अगर ये आंदोलन हिंदुओं का होता तो एक हिंदू दूसरे हिंदू का पिंडदान नहीं कर रहा होता। सवाल है, ये सवाल है कि अगर ये आंदोलन
उन हिंदुओं का होता जो मंदिरों में बैठे हैं, ये आंदोलन उन हिंदुओं का होता जो सरकारों में बैठे हैं, ये आंदोलन उन हिंदुओं का होता जो कैबिनेट में बैठे हैं। तो वो हिंदू राकेश टिकैत का पिंडदान नहीं करते। राकेश टिकैत का पिंडदान इसलिए हुआ क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार जाट जाति जो है वो शूद्र वर्ण का हिस्सा है और शूद्र जो है वो सेवक है, और ब्राह्मणों को अगर आप कटाक्ष करोगे तो ब्राह्मण नहीं चाहता कि आप उसके ऊपर कटाक्ष करें। लिहाजा वो जो विचार है, वो विचार, उस विचारधारा के जो लोग हैं वो सरकार के साथ इसका मतलब आज भी खड़े हैं। अब एक जो अभी हम लोग इसको चर्चा कर रहे हैं, इसको जो सवाल जो पीछे एक सवाल आपने किया था उसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। उसको इस तरीके से बढ़ा देते हैं, जैसे आपने कहा कि जाट जो है वो लीडरशिप में है। ओबीसी की जो जातियां हैं, जो बैकवर्ड, जो 52% ओबीसी देश के अंदर है, जो बैकवर्ड है, उसमें लगभग 5,365 जातियां हैं और टोटल एससी एसटी में 6,743 जातियां हैं। तो 5,300 के समथिंग जो जाति हैं उनमें कहीं जाट जो है वो मजबूत स्थिति में है पूरे भारत में, कहीं पटेल मजबूत स्थिति में है, कहीं गुर्जर नहीं, गुर्जर बहुत कम है, गुर्जर नहीं है, लेश मात्र को है, कहीं महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो कुछ और जातियाँ जो हैं पाटीदार वगैरह जो हैं वो मजबूत स्थिति में हैं। अब होता क्या है कि जैसे ये आंदोलन चल रहा है तो नेतृत्व जो है वो जाट के हाथ में है, ठीक उसी प्रकार जब एससी एसटी का कोई आंदोलन होता है देश भर में तो उसका जो नेतृत्व है वो जाटव के हाथ में होता है, चमार के हाथ में होता है। संख्या ज्यादा है, ताकतवर है, ताकतवर है, बौद्धिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर है, आगे है, आगे है। तो इसलिए उस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो अम्बेडकरवादी लोग करते हैं, और जो जाटव है, जो अप्रैल का आंदोलन आपने देखा होगा, जो चमार है, जाटव है, कुरील है, दोहरे है, अहिरवार है, जो चमारों की उपजातियां हैं वो उसका नेतृत्व करती है। कभी आपने देखा होगा बाल्मीकि नहीं आता, खटीक नहीं आता, पासी नहीं आता, धानक नहीं आता, कोली नहीं आता, जो शेड्यूल कास्ट की ओर जाती है वो कभी नहीं आती आगे। झंडा लेकर के कौन चलेगा? जाटव चमार। ठीक उसी प्रकार इस आंदोलन में झंडा लेकर के कौन चल रहा? जाट चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो मजबूत है और वो आंदोलन करने की स्थिति में और घर यहाँ बैठने की स्थिति में है, बिल्कुल है। और जो जातियां हैं ओबीसी की वो बैठने की स्थिति में नहीं है। तो ये भी हमको समझ लेना चाहिए, जिन लोगों के पेट में दर्द ये हो रहा है कि जाट ही नेतृत्व को कर रहा है, वो इस आंदोलन को तोड़ना चाह रहे हैं, इसकी मूल सच्चाई है क्योंकि जाट जो है वो आंदोलन करने मजबूत है। यानी कि राहुल साफ तौर पर कह रहे हैं इसकी जो सामाजिक सच्चाई के बारे में उन्होंने बताया, और एक सवाल इन्होंने खुद ने कहा कि इस पर ब्रॉडली डिस्कस होना चाहिए कि मान लीजिए रात के 8 बजे प्रधानमंत्री अपने मन की बात या जो भी बात है वो कह देते हैं कि मैं 3 कानून वापस लेता हूं, एमएसपी पे लिखित दे देता हूं कि एमएसपी लागू होगी, क्या ये जो जनता बैठी है वो क्या मोदी को या भाजपा को या आरएसएस को वोट करेगी? और उसके बाद फिर राहुल कहते हैं कि सरकार बनने के बाद में फिर वो उसके बाद वही तानाशाही रवैया अपनाएगी, अध्यादेश लेकर आएगी और ये अपने वही कानून लागू करेगी। इसलिए जनता को ये सवाल पूछना चाहिए और मंचों से बड़ा मुखर होकर उनके नेताओं को कहना चाहिए कि गुमराह नहीं होना, नहीं होना। लोगों से सवाल करता हूँ और मैं मीडिया में बोलता हूँ, हम लोग टीवी डिबेट में बोल रहे हैं जी, कि एक तरफ तो राकेश टिकैत का पिंडदान हो रहा है, सही बात है, एक तरफ जो ब्राह्मण समाज है वो राजस्थान में पंचायत कर रहा है और जयपुर में पंचायत की इन लोगों ने, और वो कह रहे हैं कि जाटों ने जितना चंदा दिया है वो अपना चंदा वापस ले जाएं, ऐसा संभव नहीं है जबकि, लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि कोई कैलकुलेशन तो है नहीं कि कितना चंदा दिया गया आज तक, देश आजाद दिया जब से ये सिस्टम बना है, सामंतवादी या मनुवादी सिस्टम बना है, जब से मंदिरों में चंदा दिया गया तो कुछ सिस्टम ब्राह्मणीकरण जो हुआ है। एक तरफ तो हमारे नेता का इस देश के अंदर कुछ एक समाज जो है मनुवादी समाज जो है, ब्राह्मण समाज जो है, वो कह रहा है कि जी जाट जो है अपना चंदा वापस ले जाएं और वो उसका पिंडदान कर रहे हैं क्योंकि हम शूद्र हैं, हम ना तो ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है ना वैसे, हम शूद्र हैं, हम दलित हैं, हम बैकवर्ड हैं, हम ये वो लोग हैं, हम 85% बहुजन है। तो एक तरफ तो हमारा ये हो रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं के कुछ लोग आकर के हमारे ये आंदोलनों में प्रवक्ता बन रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, बड़ी ये गूढ़ रहस्य है कि जो एक तरफ पिंडदान कर रहा है और वही यहाँ प्रवक्ता बन रहा है, वही यहाँ प्रवक्ता बन रहा है। आप देखेंगे, मैं सारे बॉर्डर जाता हूँ, देखता हूँ, मैं लोगों को नोट करता हूँ कि ये जो आदमी है इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन है, और ये विचार देश के अंदर एनआरसी सीए का आंदोलन हो तो ये वहाँ पहुँच जाता है भाषण देने के लिए, देश के अंदर एट्रोसिटी एक्ट 1989 वहाँ पहुँच जाता है, 2 तारीख का भारत बंद हो वहाँ पहुँच जाता है, 2 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ मनीषा वाल्मीकि को लेकर के तो ये वहाँ भी पहुँच जाता है। तो ये जो लोग हैं जो हर जगह जाकर के प्रवक्ता बन जाते हैं, ये कौन है, इनके पीछे कौन सी ताकतें खड़ी हैं और ये लोग हर आंदोलन में जाकर के नेता क्यों बन जाते हैं? तो ये जो सवाल है ये हमको ऐसे लोग चिन्हित करने पड़ेंगे और इनसे पूछना पड़ेगा कि आप ब्राह्मण है जाति से,
आप जो है एक तरफ तो यहाँ हमारे आंदोलन में आकर के मोदी को और आरएसएस को गाली बक रहे हो, भाई मोदी और आरएसएस को थोड़ी देर साइड में रख लो, हम सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं यार। हमें नहीं मतलब मोदी आज है कल नहीं रहेगा, हमें नहीं मतलब है मोदी आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जो जिस सिस्टम से मोदी आया उस सिस्टम पे बात करो ना, सवाल वहाँ होना चाहिए, आप जड़ पे बात करो ना, खुलप पे क्यों कर रहे हो। तो ये जो लोग हैं कि जो इनके पूर्वज, मतलब वो वाली बात होगी ना कि बाप से तो दुश्मनी और बेटा से दोस्ती, बाप पिताजी तो वहाँ राजस्थान में बैठ करके हमारा पिंडदान कर रहे हैं और बेटा यहाँ आकर के प्रवक्ता बन रहा है और वो कह रहा है जी मैं राकेश टिकैत जी के साथ हूँ। तो ये वही लोग हैं कि पूरे दिन यही रहते हैं, यही खाते हैं, यही चाय पीते हैं, यही हमारे हमें खुश करने के लिए हमारी भाषा बोलते हैं और रात को जाकर के फोन करके अपने आका को आरएसएस को नागपुर में बताते हैं कि आज पूरे दिन गाजीपुर बॉर्डर पर ये हुआ था, आज टिकरी बॉर्डर पर ये हुआ था, आज सिंघू बॉर्डर पर ये हुआ था। तो इन लोगों को भी चिन्हित करने की जरूरत है, तब तक ये लोग इस आंदोलन से बाहर नहीं होंगे। मैं इस आंदोलन में और जो दलितों के आंदोलन होते हैं दोनों में एक फर्क बता रहा हूँ आपको, बेसिक फर्क बता रहा हूँ। दलितों के जो आंदोलन देश के अंदर जितने हुए हैं आज तक, उनमें कभी कोई आपने देखा होगा कि बाहर का आदमी प्रवक्ता नहीं होता, वो अपने हाथ में कमान रखते हैं, आंदोलन चलाएंगे हमने देखा उनको, तो वो अपने तरीके से चलाते हैं। लेकिन इस आंदोलन में क्या है कि आंदोलन हो रहा है लेकिन कमान, जैसे अगर मैं नेतृत्व की बात करूं तो राकेश टिकैत जी के हाथ में और जो 40 लोग हैं उनके हाथ में, लेकिन प्रवक्ता की जो भूमिका है वो दूसरे लोग निभा रहे हैं। मैं नाम लेके बता सकता हूँ आपको, सबको पता है पूनम पंडित को इसी मंच से बैन किया गया लेकिन उसके बावजूद भी वो सक्रिय है। मोहित शर्मा यहीं आते हैं यहीं बोलते हैं, और श्रीवास्तव जी यहीं आते हैं यहीं बोलते हैं, और एक सक्सेना साहब है वो यहीं आते हैं यहीं बोलते हैं, और एक दुबे जी वो यहीं आते हैं यहीं बोलते हैं, एक त्रिपाठी जी वो यहीं आते हैं यहीं बोलते हैं यहीं खाते हैं। तो इन लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है, इनसे पूछा जाए, सवाल किया जाए कि भैया आप इतना सा बता दो कि जो लोग हमारा पिंडदान कर रहे हैं आप उनके साथ हो या इस आंदोलन में राकेश टिकैत के या किसान आंदोलन के साथ हो, तो ये बात होनी चाहिए। बिल्कुल, ये सीधा सवाल है और सीधी बात है कि जो एक तरफ हमारा पिंडदान कर रहे हैं और वही उनके बेटे यहाँ पर हमारे प्रवक्ता बन रहे हैं यानी कि इस आंदोलन के, और ये पूरा जो गूढ़ रहस्य है इसको मुझे खासतौर पर आंदोलनकारियों को और खासतौर पर जो दलित आदिवासी और वंचित समाज है उनको समझना होगा, क्योंकि वो अपने खून पसीने को निकाल कर इस आंदोलन को खड़ा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई, अपनी आवाज को ऐसे बुलंद करते रहे और हम चाहेंगे कि ये बहुजन मीडिया के माध्यम से ये पूरी आवाज जन जन तक जाए और इस पूरे छुपे हुए रहस्य को जाने कि आखिर इनके पीछे कौन आका है जो हमारे हमारा प्रवक्ता बन रहा है। हम अपने प्रवक्ता खुद हैं, अगर ऐसे इंटेलिजेंट और हमारे मनोज जी जैसे और हमारे तमाम जो साथी इतने इंटेलिजेंट है वो हर बात पर तमाम सवाल उठा सकते हैं, तो हमें किसी प्रवक्ता की जरूरत नहीं है। तो दीजिए।